नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और कोरोना के टाइम में आप लोग घर में रहें और सेफ रहें, यही आशा करती हूँ मैं आप लोगों से। और घर में रहते हुए हमारा वीडियो देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज जो है हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमारा वेटिंग लिस्ट क्यों लंबा होता है, वेटिंग लिस्ट में टाइम क्यों लगता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है मैं वो बताऊंगी। सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि बच्चे की एबिलिटी कम होना। जाहिर सी बात है कि अगर 1000 पेरेंट्स अवेलेबल है बच्चा को अडॉप्ट करने के लिए और बच्चे हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है अडॉप्शन में देने के लिए, और बच्चा क्यों नहीं अवेलेबल है ये भी मैं आज बताऊंगी। और उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी मैं जिनके कारण वेटिंग लिस्ट जो है इतना लंबा होता है। तो हम आज इस विषय पे बहुत लंबा चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको बहुत सारा टॉपिक बताने वाली हूँ कि आप लोग ही वेटिंग लिस्ट को कम कर सकते हैं और आप लोग के कारण ही बहुत सारे बच्चे को एक परिवार मिल सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर वेटिंग लिस्ट क्यों लंबी होती है और क्यों इतना टाइम लगता है। तो मैंने पहला बताया था आपको कि बच्चे की एबिलिटी कम। अब बच्चे की एबिलिटी कम क्यों होती है? तो आप बहुत सारे न्यूज़ में देखते होंगे, बहुत सारे पेपर में भी निकलता है या न्यूज़ में भी देखते होंगे कि आज यहाँ पे एक बच्ची फेंकी हुई मिली, यहाँ पे आज एक बच्चा मिला, ऐसा करके न्यूज़ आप लोग के पास आता होगा। तो मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास ऑलरेडी बच्चे हैं और आपको बच्चे नहीं चाहिए और उसके बाद अगर आपको बच्चा होता है तो आप उसे ऐसे फेंकते हैं कि वो बच्चा बचे ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो उस बच्चे को आप कोई सुरक्षित स्थान पे छोड़ दीजिए, उसे फेंकिए मत, उसे जीने का अधिकार है। अगर इस दुनिया में आप उसे लाए हैं तो आप उसे जीने का एक रास्ता दिखा दीजिए। आप ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप उसका पालन पोषण करने में सक्षम नहीं हैं या आपको बच्चे नहीं चाहिए किसी कारणवश, तो आप उसे फेंकिए मत, उसे मारिए मत, आप उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। सुरक्षित स्थान कोई भी हो सकता है, आप कहीं भी रख सकते हैं बच्चे को। आप कहीं भी बच्चे को रख करके आप वहाँ से थोड़ी दूर पे खड़े होकर के 1098 जो टोल फ्री नंबर है, ऑल ओवर इंडिया में वर्क करता है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1098 ये चाइल्ड लाइन का नंबर है। आप कॉल कर करके बता सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा जो है वो फेंका हुआ है, वहाँ पे रेस्क्यू टीम आ जाएगी, वहाँ पे चाइल्ड लाइन जो है वो पहुँच जाएंगे, वहाँ पे थाना आ जाएगी और उस बच्चे को रेस्क्यू करा करके वो आश्रम में ले जाएंगे, यानी कि अडॉप्शन एजेंसी में ले जाएंगे। पहले तो उस बच्चे का सारा जांच होगा, चेकअप होगा, अगर बच्चे की कंडीशन ख़राब होती है तो पहले उसे SNCU में रखा जाएगा, बच्चे का जो अस्पताल होता है उसमें भर्ती कराया जाएगा और वहाँ पे बच्चे का जांच होगा, वहाँ पे उसका इलाज होगा। जब पूरी तरीके से बच्चा स्वस्थ हो जाएगा तो फिर उसे एडॉप्शन एजेंसी में रखा जाएगा और उस बच्चे का जो है वहीं पे पालन पोषण होगा कुछ दिनों तक, जब तक वो बच्चा लीगली फ्री ना हो जाए। कुछ कोर्ट का जो प्रोसेस होता है कि बच्चा जब मिलता है तो उसका एडवर्टाइज निकलता है पेपर में, आपने देखा होगा, आपने बच्चे का फ़ोटो के साथ उसका बायोडाटा लिखा रहता है पेपर में निकलता है। पहले निकलता था तो बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते थे कि ये बच्चा मुझे चाहिए, मुझे दे दीजिए। तो मैं बता देना चाहूँगी कि वो जो एडवर्टाइज निकलता है वो बच्चे के रियल माता पिता के लिए निकलता है, जैविक माता पिता, जो उसके खुद के माता पिता हों। अगर वो चाहें तो 60 दिनों के भीतर अपने बच्चे को वो आश्रम से जो है वो एडॉप्शन एजेंसी जो है उससे वो बच्चे को ले जा सकते हैं 60 दिनों के भीतर। जाहिर सी बात है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि एक पेरेंट्स का बच्चा है और उसने बच्चा नहीं चाहिए, उसने उस बच्चे को फेंक दिया और चाइल्ड लाइन आकर के उस बच्चे को ले गई, ठीक है। लेकिन उस पेरेंट्स का बाद में जो है मन बदल जाता है कि नहीं,
मैं अपने बच्चे को पालूंगी पोसूंगी, मैं बेकार उसको फेंक दी, और उसका मन जो है वो करने लगता है कि उस बच्चे को ले ले। तो इसीलिए सरकार जो है, कोर्ट जो है बच्चे का, वो 60 दिनों का समय देती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो 60 दिनों का समय देती है कि 60 दिनों के भीतर आप उस बच्चे को अगर चाहें तो प्रूफ के साथ, ऐसा नहीं कि आप गए और बोले कि मेरा बच्चा दे दीजिए तो दे देंगे, नहीं, प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि वो बच्चा आपका है, फिर वो चाहे तो आप उस बच्चे को अपने घर ला सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए किसी कारणवश, वो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मैं जानती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स जो हैं, कोई भी माता पिता जो है अपने बच्चे को इस तरह फेंकना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, एक तो हमारा समाज ऐसा होता है और दूसरी उनकी मजबूरी होती है, तो वो पालन पोषण करने में जो है सक्षम नहीं होते हैं, तो वो बच्चे को फेंक देते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप, ठीक है, आपको अगर फेंकना ही है उस बच्चे को, तो उस बच्चे को ऐसे जगह रख दीजिए जहाँ से किसी का भी नज़र पड़े और वो बच्चा रेस्क्यू हो जाए। ऐसे नहीं कि वो बच्चा को कोई जानवर खा जाए, या ऐसा नहीं कि वो बच्चा, बहुत सारे केस मेरे पास ऐसे आए थे, बहुत सारे केस जिसे सुन के रूह कांप जाते थे, ऐसा बच्चा आता था हमारे यहाँ रेस्क्यू हो करके, एक कभी पानी में डाला हुआ बच्चा जिसका बचना नामुमकिन हो जाता था, कोई बच्चा ऐसा जिसकी बॉडी पूरा चींटी खा गई हो, वैसे बच्चे को रेस्क्यू करा करके हॉस्पिटल में एडमिट करके और उस बच्चे को पूरी तरीके से स्वस्थ करके और एडॉप्शन में दिया गया, और आज वो बच्ची जो है काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी सुंदर है और एक अच्छे फैमिली में गई है और बहुत ही खुश है, फैमिली भी बहुत खुश है, बच्ची भी बहुत खुश है, उसको एक परिवार मिला और एक परिवार को एक बच्चा मिला। तो मैं यही कहूँगी कि आप उस बच्चे को ऐसे ना फेंकें। आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी बॉडी में, एक छोटा सा बच्चा, उसके बॉडी में अगर चींटी लग जाए तो उसको कितना तकलीफ होगा। एक बच्चा ऐसे ही फेंक दिया गया था डस्टबिन में, और डस्टबिन में जो है वो सुअर आके खा गया, उसका पूरा एक हाथ, पूरा बॉडी जो है वो सुअर खा गया। वो बच्ची काफ़ी दिनों तक प्रॉब्लम को झेली, और मैं समझ नहीं सकती कि उस छोटी सी बच्ची को कितना तकलीफ हुआ होगा, और लास्ट में उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो हम यही चाहेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो ऐसे माता पिता हैं वो प्लीज़ बच्चे को ऐसी जगह पे ना फेंकें। एक एक बच्चे को तो कुआं में फेंक दिया गया था, 40 फीट अंदर कुएं में डाल दिया गया था, वो भी बच्चा बहुत स्वस्थ है और एक पेरेंट्स के पास है और बहुत खुश है पेरेंट्स भी और बच्चे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचा लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ देते हैं, और ये किसकी लापरवाही की वजह से? ये उनकी लापरवाही की वजह से जो उनके खुद के माता पिता हैं, जो एक बच्चे को जन्म तो दे देते हैं लेकिन उनको ज़िंदगी नहीं देना चाहते, उनको मार देना चाहते हैं। कभी मालूम चलता है, कभी कहीं से आता है कि उस बच्चे को मिट्टी के अंदर डाल दिया गया, कभी फेंक दिया गया झाड़ियों में, कभी चौड़ में, ऐसे ऐसे बच्चे का आता है। आप खुद बताइए कि क्या उस छोटी सी बच्ची को जीने का कोई अधिकार नहीं है? सरकार हर जगह अवेयरनेस के लिए वो पालना लगा दी है, फेंको मत हमें दो, फेंको मत हमें दो, फेंको मत हमें दो। अब हर जगह पोस्टर उसका देखेंगे, यहाँ तक कि सरकारी अस्पताल के आगे भी एक पालना रख दिया है कि अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप सुरक्षित उस पालने में बच्चे को छोड़ के चले जाइए। लेकिन आप लोग तब भी नहीं करते हैं, आपको ये लगता है कि अरे कोई देख लिया तो, अरे रखते कोई देख लिया तो, इसीलिए आप ऐसे जगह पे बच्चे को फेंक देते हैं जहाँ से बच्चे का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर लाख कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर जो है उस बच्चे को नहीं बचा पाते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चे को एक सुरक्षित स्थान पे छोड़ दें ताकि वो बच्चा अडॉप्शन में चला जाए। और मेरा यहाँ तक मानना है, और मैंने जो देखा है कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब होता है या ना के बराबर होता है, वैसे बच्चे जो हैं वो किसी ऐसे फैमिली में अडॉप्ट हो जाते हैं जिससे उनका भविष्य पूरी तरीके से बदल जाता है। तो आप ये ना सोचिएगा कि आप बच्चे को अगर दे रहे हैं या छोड़ रहे हैं और वो अडॉप्शन में जाता है तो वो किसी अच्छे पेरेंट्स के पास ही जाता है ताकि उस बच्चे का फ्यूचर बहुत बेहतर हो सके। इसीलिए वेटिंग लिस्ट जो है वो ज़्यादा होती है,
क्योंकि बच्चा की एबिलिटी कम, बच्चा ऐसे मिलते हैं कि उनका बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत दिनों के बाद, बहुत सारे इलाज के बाद जाकर के बच्चा रिकवर होता है, वो भी बहुत कम बच्चे रिकवर हो पाते हैं। बहुत सारे बच्चे का कंडीशन तो ऐसा होता है कि बचाना नामुमकिन जैसा रहता है। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि जो भी माता पिता हैं वो अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़ के जाएँ और उसे एक फ्यूचर दे, उसको एक भविष्य दे और उसको एक नया ज़िंदगी दे, ताकि वो दूसरे पेरेंट्स के पास जाकर कि अपना फ्यूचर भी संवारे और उस माता पिता जो उस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे उनका भी जीवन सफल बने। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं। धन्यवाद।